अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू माय चैनल आज की हमारी रेसिपी जो है वो ग्रीन चटनी जो हम दाल चावल के साथ या किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं बहुत मजे की लगती है इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है मैंने ब्लेंडर लिया है हाफ़ बंच धनिया और हाफ बंच पुदीना लिया है पूरा नहीं लिया क्योंकि मैंने कम क्वान्टिटी में बनाई थी आपको ज़्यादा बनानी हो तो आप पूरा ले लीजिएगा दो तीन जगह लहसन के लिए दो पिंच मैंने कुटी हुई मिर्च दो पिंच नमक छोटी सी एक प्याज एक मोटी वाली बड़ी हरी मिर्च हाफ टी स्पून ज़ीरा और एक छोटा वाला टमाटर मीडियम साइज़ का है उसे थोड़ा छोटा ले लीजिए ये टोटल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है जितनी मैंने इस्तेमाल करनी थी जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उसके लिए इतनी चीज़ें यूज़ की हैं और ये एक से पानी है वैसे टमाटर अपना पानी छोड़ता है लेकिन ज़रा सा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ताकि अच्छे से ब्लैंड हो जाए और ये वन टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि लेमन जूस है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़रूर ऐड कीजिएगा स्किप नहीं कीजिएगा अब हम ये सारे इंग्रीडियंट्स जो है ये हम ब्लैंडर में ऐड कर देंगे आपने इसको इसके अंदर डाल देना है ये देख सकते हैं आप इन्हें सब कुछ इसमें एक साथ ही आपने ऐड कर दी, सब चीज़ें ऐड कर देनी है हरी मिर्च एनफ है इतनी दो पंच कुटी मिर्च एनफ़ है बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं अच्छी लगती नॉर्मल अच्छी लगती है और ये मैंने एक से उसमें पानी डाल दिया है हमने इसको ब्लेंडर के ऊपर फिक्स कर दिया है और अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे या बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी सब प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगी तो आप इसको इसको किसी बोल में निकाल लीजिएगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है एंड में अपने लेमन जूस डाल के इसको हल्का सा चम्मच से मिक्स कर लेना है और ये देखिए फाइनल लुक बहुत मज़ेदार दाल चावल से पराठे से खाली रोटी से भी आप खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है प्लीज़ ज़रूर बनाएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अल्लाह हाफ टेक केयर